एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड, इसको एनबीएसपी कहते हैं, एनबीएस एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड। और इसका स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया जाए, इसमें क्या होता है कि CH2, ओके, फिर एक होगा CH2, ओके, फिर इस CH2 में CO, ओके, इसमें भी रहेगा CO, और ये दोनों को नाइट्रोजन से जोड़ दिया जाएगा, और इस नाइट्रोजन पे एक ब्रोमीन लगा होगा, इसको कहते हैं NBS। NBS का यूज कहाँ होता है? तो NBS का यूज प्रोपीन को, ठीक है, एलाइल ब्रोमाइड में बनाने में किया जाता है। एलाइल ब्रोमाइड यानी 3-bromoprop-1-ene, प्रोपीन को NBS के संग रिएक्शन कराया जाएगा पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में और लाइट में, तो वह 3-bromoprop-1-ene बन जाएगा और सक्सेनिमाइड अलग हो जाएगा। इसे हम लोग रिएक्शन के द्वारा देख लिया जाए, पहले इरेज कर लिया जाए, NBS एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड। सबसे पहले प्रोपीन बनाएंगे CH3CH CH double bound CH2, फिर यहाँ पे CH2 CH2 CO CO N BR, यहाँ पे HNew, यहाँ पे पर ऑक्साइड, ओके। अब ये किस में चेंज हो जाएगा? ब्रोमीन CH2 CH double bound CH2, इसको कहेंगे 3-bromoprop-1-ene, और इसके संग एक और प्रोडक्ट बनेगा CH2CO CH2CO, और यहाँ पे देखेंगे तो NH, इसको कहेंगे सक्सेनिमाइड, SUCCNIMIDE, सक्सेनिमाइड। इसको क्या कहेंगे? प्रोपीन। इसको कहेंगे NBS, एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड। इस तरह से आप समझ गए कि एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड के प्रेजेंस में और लाइट के प्रेजेंस में प्रोपीन 3-bromoprop-1-ene में चेंज हो जाता है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको सक्सेनिमाइड कहते हैं, ओके। तो आज इतना ही, और NBS का फुल फॉर्म क्या होता है? एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड। व्हेन प्रोपीन इज रिएक्ट विद NBS इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पर ऑक्साइड एज इनिशिएटर, देन 3-bromoprop-1-ene फॉर्म्ड एंड सक्सेनिमाइड फॉर्म। थैंक यू।